स्प्रेयर्स तो आपने बहुत जगह देखे होंगे, पर क्या आपने सोचा है कि स्प्रेयर्स काम कैसे करते हैं? सो लेट्स इमेजिन दिस। हमारे पास ये एक स्प्रेयर है, स्प्रेयर में एक रबर बलून है, एक एयर है और यहाँ पर हमने कुछ वाटर डाला हुआ। अब ये वाटर ऊपर की तरफ सक होकर एक स्प्रे की फॉर्म में जाता है। ऐसा होता क्यों है? क्योंकि देखो, जब हम इस रबर बलून को पुश करते हैं, हम इसको दबाते हैं, तो इसमें क्या हुआ, यहाँ की जो हवा है वो हवा बहुत ज्यादा प्रेशर से जाएगी, तो यहाँ से हवा बाहर निकलेगी, ये हवा यहाँ से बाहर जाने की कोशिश करेगी। तो जैसे ही हवा बाहर निकलेगी, फिर क्या हुआ, यहाँ पर वेलोसिटी एयर की बहुत ज्यादा होगी, एयर की वेलोसिटी ज्यादा होगी और प्रेशर क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। अब ऐसा क्यों हुआ? अकॉर्डिंग टू बर्नौली इक्वेशन, बर्नौली ने क्या बताया था कि प्रेशर प्लस हाफ रो वी स्क्वायर, जब हम किसी हॉरिजॉन्टल प्लेन की बात करते हैं तो फॉर्मूला आता है पी प्लस हाफ रो वी स्क्वायर, ये होता है एज ए कॉन्स्टेंट, ये इस कॉन्स्टेंट वैल्यू होती है। यानी कि अगर आप वेलोसिटी को कम करोगे तो प्रेशर बढ़ाना पड़ेगा, क्योंकि वैल्यू हमारी कॉन्स्टेंट रखनी है हमने। अगर तुम वेलोसिटी को ज्यादा करोगे तो प्रेशर कम करना पड़ेगा। अब यहाँ पर देखो, वेलोसिटी ज्यादा हो चुकी है तो प्रेशर क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। इस कारण से इस एरिया में प्रेशर कम हो जाएगा और नीचे से प्रेशर ज्यादा है, और जैसे ही प्रेशर कम होगा तो ये पानी अपने आप ही ऊपर की तरफ जाएगा। अब जैसे ही हवा बाहर निकलेगी, यहाँ पर क्या होगा, प्रेशर कम हो जाएगा। जब प्रेशर कम होगा तो वाटर ऊपर की तरफ जाएगा, वाटर इस तरफ जाएगा, फिर से एयर को ब्लो करेंगे तो एयर का जो प्रेशर होगा, इस पानी को ऐसे स्प्रे छोड़ेगा।